हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी 20 मैरिज एनिवर्सरी। तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ कोरम मॉल के बारबेक्यू नेशन में। तो जाते समय रास्ते में बहुत सुंदर लाइटिंग हो रखी थी, जैसा कि दिवाली में होती है, तो इसे मैंने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। तो फ्रेंड्स, मैं अपने हस्बैंड और दोनों बच्चों के साथ पहुंच चुकी हूं मॉल में और हम जा रहे हैं बारबेक्यू नेशन में, जो कि सेकंड फ्लोर में है। तो हम यहां पर अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें यहां पर पानी पूरी की ये प्लेट सर्व की गई, जो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। और पानी पूरी शुरू से ही मेरी बेटी की फेवरेट भी रही है। तो आज थर्सडे का दिन है और हम चारों का ही वेज है। तो यहाँ पर ये वेज स्टार्टर ग्रिल हो रहा है, जिसमें है स्वीट कॉर्न, स्वीट पाइनएप्पल, मशरूम, पनीर टिक्का और बॉयल्ड बेबी पैटेटो। तो ब्रोकली हमने मना कर दी थी। तो जब तक वेज स्टार्टर ग्रिल हो रहा था, तो उन्होंने हमारी प्लेट लगा दी थी, जिसमें है फ्राइड क्रिस्पी कॉर्न, दही के शोले, वेज कबाब और कटलेट्स। तो यहाँ का मेन्यू तीन हिस्सों में डिवाइड है। पहला है स्टार्टर, दूसरा मेन कोर्स और तीसरा डेजर्ट का सेक्शन है। तो अभी हमारा यहाँ पर ये स्टार्टर चल रहा है। तो बारबेक्यू नेशन में खाना अनलिमिटेड रहता है, तो आपको जो भी फूड आइटम ज़्यादा पसंद आ रही हो, आप उन्हें और मंगा सकते हो। वो आपको बीच बीच में भी पूछते रहते हैं कि अब आपके लिए और क्या लाना है और आपको खाना कैसा लगा। तो वेज में आपको यहाँ पर ये काफ़ी सारी आइटम मिल जाएंगी, जिन्हें आप ऑर्डर करके मंगा सकते हो। तो यहाँ पर मेरी बेटी ने अपने लिए ये रेड सॉस पास्ता बनवाया है और मेरे बेटे का वाइट सॉस पास्ता आना अभी बाकी है। तो मेरे हस्बैंड ने अपने लिए ये आलू टिक्की चाट बनवाई है, जिसे मैंने भी टेस्ट किया और ये मुझे ठीक ठाक ही लगी। तो यहाँ पर ये बारबेक्यू नेशन की छोटी सी क्लिप है। तो आज 13 अप्रैल और थर्सडे है, तो ज़्यादा रश नहीं है। तो स्टार्टर के बाद अब बारी आती है मेन कोर्स की। तो मैंने यहाँ पर अपनी प्लेट में लिया है नूडल्स विद मंचूरियन, बिरयानी, थोड़े से प्लेन राइस और कोफ्ता करी। तो मेन कोर्स में और भी कई फूड आइटम थे, जैसे छोले, दाल मखनी, शाही पनीर और सब्जी, लेकिन स्टार्टर से ही पेट काफ़ी भर जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा फूड आइटम नहीं ली, क्योंकि यहाँ खाना अनलिमिटेड है। तो अगर आपकी डाइट काफ़ी अच्छी है, तो बारबेक्यू नेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो मेन कोर्स मुझे यहाँ का ठीक ठाक ही लगा, जैसे नॉर्मली रेस्टोरेंट आदि में होता है। तो मेन कोर्स के बाद बारी आती है डेजर्ट सेक्शन की। तो डेजर्ट में यहाँ पर बच्चों से लेके बड़ों के लिए काफ़ी सारी फूड आइटम थी, जिसमें जेलीज, ब्राउनीज, पेस्ट्री, आइसक्रीम और भी काफ़ी सारी आइटम थी। तो मैंने अपनी प्लेट में यहाँ पर गुलाब जामुन, वैनिला आइसक्रीम, मूंग दाल हलवा के अलावा सेवई पायसम ली है। मेरे हस्बैंड ने अपने लिए ये प्लेट बनवाई है, जिसमें 4-5 फ्लेवर की कुल्फी को डालकर फिर उसमें चिया सीड्स, फालूदा, रबड़ी और मीठी सौंफ डाली गई है, जिसे मैंने भी टेस्ट किया और ये डेजर्ट मुझे भी काफ़ी पसंद आई। तो मुझे आइसक्रीम के साथ गुलाब जामुन का जो कॉम्बिनेशन है, वो काफ़ी पसंद है, इसीलिए इसे मैं यहाँ पर इंजॉय कर रही हूँ। तो बारबेक्यू नेशन का स्टार्टर और डेजर्ट सेक्शन मुझे ज़्यादा पसंद आया, मेन कोर्स मुझे ठीक ठाक ही लगा। तो यहाँ की सर्विस मुझे काफ़ी अच्छी लगी, वो बीच बीच में हमसे पूछते भी रहते हैं कि खाना कैसा है और कोई कमी तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज है 13 अप्रैल और आज है हमारी 20 वेडिंग एनिवर्सरी। तो बारबेक्यू नेशन में बर्थडे या एनिवर्सरी में जो केक है, उसे कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है। तो बुकिंग के समय ही हमने यहाँ पर उन्हें बता दिया था। तो अब हम यहाँ पर केक कटिंग करने जा रहे हैं। तो बचे केक को आप चाहो तो इस तरीके से पैक करवा कर घर भी ले जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा बारबेक्यू नेशन में वेडिंग एनिवर्सरी का छोटा सा ब्लॉग। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो मैंने दूसरी जगह के बारबेक्यू नेशन की वीडियो भी ऑलरेडी अपने चैनल पर आपके साथ शेयर कर रखी है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।